Bismillahir Rahmanir rahim Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are fine and doing well. Today, our topic is aerosols. We will talk about aerosols, its construction, and its working. Let's start. What is the aerosols? The products using soul systems are called aerosols. ये कहते जी एक ऐसी चीज है जो सोल सिस्टम को यूज करती है उसे एरोसोल्स कहते हैं लेकिन सोल सिस्टम क्या है सोल इज ए मिक्सचर ऑफ दी सस्पेंडेड सॉलिड्स और लिक्विड्स पार्टिकल्स इन गैस और एयर सोल सिस्टम या सोल वो चीज है जिसमें किसी भी सॉलिड या लिक्विड जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं उसके कहते जी सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कि छोटे 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 छोटे, -छोटे मालिक जो पार्टिकल्स हैं बारीक बारीक जरात ये कहते हैं जी अगर आ, हवा में या किसी गैस में सस्पेंडेड हैं यानी कि उसके अंदर मिक्स हो गए हैं और फिर उसको यूज़ किया जा रहा है उसको सोल सिस्टम कहते हैं और ये एरोसोल्स में यूज होता है जैसा कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल पेंट के हैं पेंट एक सॉलिड या लिक्विड पेंट डाइज या पिगमेंट्स हैं जो कि गैस में मिक्स कर लिए जाते हैं फिर इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को यूज किया जाता है सोल सिस्टम के जरिए इसी एरोसोल्स के जरिए इसको एरोसोल्स बोलते हैं एग्जांपल्स देखें आप नीचे दी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरोसोल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस मुख्तु किस्म के एरोसोल्स जो कहते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं देम आर फॉलोइंग इनमें से कुछ दिए गए हैं ये एयर फ्रेशनर घरों में आपने देखा होगा कि हवा को हम खुशगवार बनाने के लिए एयर फ्रेशनर का यूज़ करते हैं गाड़ियों में भी और घर में भी और एयर फ्रेशनर्स आपको पता है एक ख़ास किस्म का ये इसी तरह का एक स्प्रे होता है जिसके ऊपर वाले बटन को पुश किया जाए तो उसमें से स्प्रे निकलती है और असल में वो फ्रेगरेंस या फ्रेग जो फ्रेगरेंट तो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो एयर में या मुख्तफ किस्म की गैसों में मिक्स किए जाते हैं फिर जब बटन दबाते हैं तो वो दोनों चीज़ें बाहर निकलती हैं इंसेक्ट रिपेलेंट्स ये भी आपने देखा होगा मॉस्कीटो किलर्स टाइप के फॉर्म में जो मुख्तफ़ किस्म की कंपनियां स्प्रे बेचती हैं उसमें भी इसी तरह का एक एरोसोल के तौर पे काम करता है हेयर स्प्रे कुछ लोग अपने हेयर को बालों को एक खास किस्म का स्टाइल देके उसके ऊपर स्प्रे कर लेते हैं तो उसमें भी ये यूज होता है क्लीनिंग एजेंट्स हैं स्प्रे पेंट्स हैं जैसा कि अभी एग्जाम्पल में मैंने दिखाया ये डायग्राम में नजर आ रहा है ये स्प्रे पेंट्स हैं ठीक है और इसके अलावा है मेडिकल मेडिसिनल जो स्प्रेज हैं जिसमें इन्हीलर्स इनहेलर्स का पता उन बच्चों को होगा जिनके घरों में अल्ला न करे कोई ऐसे किस्म के बीमार हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम हो या आमतौर तो पर दवा या सांस की जिनको प्रॉब्लम होती है वो इनहेलर्स का यूज करते हैं तो उसमें भी एक बटन पुश करते हैं तो गैस निकलती है लेकिन उस गैस के साथ असल में मेडिसन होती है मेडिसन के सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो एक्चुअल में अंदर ले जाने होते हैं इन्हील करने होते हैं अपनी बॉडी के अंदर ले जाने होते हैं तो वो उस गैस के साथ ही अंदर चले जाते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड पे, अब है इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब ऑफ दो फ्लूड मिक्स किए होते हैं वन दैट बॉयल्स बिलो रूम टेम्परेचर दी दोपलेंट प्रोपलेंट एक ऐसी गैस है जिसका बॉयलिंग पॉइंट बॉयल बिलो रूम टेम्परेचर का मतलब है कि जिसका बॉयलिंग प्वाइंट जो है वो कहते हैं कि उसका रूम टेम्परेचर से कम हो क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अगर बॉयल इससे ज्यादा होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा हमें उसको गैस फॉर्म में लाना होता है तो बॉयलिंग पॉइंट अगर रूम टेम्परेचर से कम रखेंगे या कम वाली कोई गैस लेंगे तो या ऐसा कोई फ्लुड लेंगे तो उससे क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे भी वो गैस बन जाएगा और वही गैस हमें प्रेशर क्रिएट करती है और वही गैस बाहर निकलती है इसलिए हम प्रोपलेंट कहते हैं इसका एक यूज प्रोपलेंट यूज लाजमी इसमें यूज करते हैं और प्रोपलेंट जो है वो क्या होना चाहिए जिसका रूम टेम्परेचर से कम बॉयलिंग प्वाइंट होना चाहिए सेकेंड वाला क्या फ्लूड होगा अदर जो फ्लूड है वो आपका वो प्रोडक्ट है दैट दैट वो यूज अदर uh, वन is that प्रोडक्ट विच इज़ एक्चुअली used as एयर फ्रेशनर हेयर स्प्रे और insect repellent यानी कि जो हमने यूज करना है चाहे वो पेंट स्प्रे के लिए करना है चाहे वो हेयर स्प्रे के लिए करना है चाहे एयर फ्रेशनर के लिए करना है वो प्रोडक्ट भी उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर से कम हो या ज्यादा हो क्योंकि वो तो उस गैस के साथ ही मिक्स हो आ जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है पार्टिकल या वो गैस फार्म में है बट वो उसके अंदर मिक्स होकर आ जाएगा जो एक्चुअल हमें प्रोपलेंट जो उसको लेके आ रहा है बाहर वो एज ए कैरियर बन जाता है अब ये इसमें देख सकते हैं आपके के जो है, कि जो प्रोपलेंट है यानी कि एक्चुअल में मिक्सचर है प्रोपलेंट का और दूसरी प्रोडक्ट का ये सारा इसके अंदर देखें ये मिक्सचर है लेकिन जो प्रोपलेंट होता है वो चूंकि रूम टेम्परेचर से कम पे बॉयल हो रहा है इसलिए उसके गैस मालिक्यूल ऊपर उड़ जाते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं जो ऊपर आ जाते हैं तब ये ऊपर से इधर प्रेशर लगा रहे हैं यानी कि जब ये ऊपर गैस को बन गए हैं और गैस ऊपर से प्रेशर नीचे को लगा रही है रूम टेम्परेचर पे गैस बन जाते हैं नंबर एक दूसरी वजह ये भी है कि जब वो आगे हम मजीद इसकी वर्किंग में पढ़ लेंगे कि बटन को पुश करते हैं तो उससे प्रेशर रिड्यूस होता है क्योंकि ये हाई प्रेशर पर अंदर डाला जाता है जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो तब भी वो गैस बन जाएगा तो उसके अलावा जनाब इसमें एक ट्यूब सी होती है जिस ट्यूब के जरिए इसने बाहर आना है जब इसका ज़ाहर है ऊपर से गैस का प्रेशर लगेगा तो ये इस ट्यूब के जरिए वो अपने पूरे प्रोडक्ट को साथ लेके ऊपर को आएगा मिक्स होकर तो यहाँ से हमें जो रिक्वायर है वहां हम उसको ले जाते हैं तो इसकी वर्किंग ये देखते हैं कि हाउ डज एरोसोल वर्क काम कैसे करते हैं बोथ फ्ल्यूड्स आर स्टोर्ड इन एस सील्ड मेटल केन कि के आपके जो दोनों फ्लूड्स हैं प्रोपेलेंट भी और वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए इन दोनों को एक बंद किस्म के मेटल केन में सील कर देंगे सील्ड का मतलब बिल्कुल क्लोज कर देंगे कहीं भी उसका कोई एक आउटलेट ऐसा ना हो जहां से कोई चीज़ इन या आउट हो सके एट रूम टेम्परेचर पे पार्ट ऑफ द प्रोपलेंट फ्लूड वेपोराइज एंड इंक्रीज प्रेशर ओवर दी प्रोडक्ट लिक्विड यही जो मैंने आपको कहा था रूम टेम्परेचर पे ये ऊपर को उड़ेंगी गैसे कौन सी सिर्फ प्रोपलेंट की प्रोपलेंट जो है चूंकि पहले ही रूम टेम्परेचर से बिलो पॉस के बॉयलिंग पॉइंट है तो इट मीन दैट रूम टेम्परेचर पे तो वो बॉयल हो चुकी होंगी बॉयल होने का मतलब है वो गैसें बनकर ऊपर उड़ जाएंगी अब क्या होगा ये लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब जो है ना वो रन फ्रॉम जो एक लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब भी इसके अंदर है जो ये ये वाली ट्यूब जो मैं कह रहा हूं, ये 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 वाली ट्यूब ट्यूब सारी सारी की एक लंबी ट्यूब है जो क्या होगा कि इसके बॉटम से ऊपर की तरफ जा रही है और ये आपके उस फ्लूड को ऊपर ले जाने का काम करेगी जब ये प्रेशर जहर इधर को लगेगा ये वाला प्रेशर जब इधर को लगाएंगे तो ये फ्लूड ऊपर को उड़ेगा इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं ये मजीद क्लियर करने के लिए कि इसका नेक्स्ट जो हाउ डज एरोसोल वर्क में आता है कि व्हेन वॉल्व इज ओपन बाय प्रेसिंग द बटन ये बटन इसको जो प्रेस करते हैं तो एक वॉल्व होता है वो आपका ओपन हो जाता है वॉल कौन सा यहां पे यहां पे एक वॉल्व है और जब इसको प्रेस करते हैं तो ये वॉल्व जो है ना ये खुल जाता है जिससे क्या होगा कि एक प्रेशर रिलीज होगा क्योंकि ज़ाहर है ऊपर से बटन हमने ऑन किया है तो उससे क्या होगा एक प्रेशर रिलीज होगा जो प्रेशर बाहर को गया है उससे अंदर वाला प्रेशर कम हो गया क्योंकि जो अंदर प्रोपेलेंट हमने डाला था वो हाई प्रेशर पे डाला था जब हाई प्रेशर पे किसी चीज को डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लेकिन जैसे प्रेशर रिलीज होता है बॉइलिंग पॉइंट दोबारा फिर लो होता है तो लो होने पर वो पहले हमने कहा रूम टेम्परेचर से कम पे उसने प्रोपेलेंट ने गैस के ऊपर जाना है और दोबारा आपका प्रेशर क्रिएट करके अंदर को आएगा इधर भी गैस बन के ऊपर को गया लेकिन यहां पे प्रेशर क्रिएट करके इसको नीचे को दबाया किसको पूरे लिक्विड को जब लिक्विड को पूरे को या पूरे मिक्सचर को नीचे को दबा रहा है तो इसने कहीं तो निकलना है तो इसके लिए ये ट्यूब जो है ये फिर इसके लिए आसान रास्ता है निकलने का और ये ऊपर की तरफ जाएगा चूंकि वॉल्व खुला हुआ है इसलिए ट्यूब से वहां से चीज निकल जाएगी यहां से देखते हैं ये क्या कहता है कि जब कहता है हमने प्रेशर बटन इसको किया रिलीज तो हाई प्रेशर जो प्रॉब्लम था वेपर गैस के वो पुश इस द लिक्विड प्रोडक्ट अप इन दी प्लास्टिक ट्यूब ये वाला कहता है जी हाई प्रेशर इसका जो गैस लिक्विड का था इसने ट्यूब के अंदर उसको अप कर दिया और वो जो नोजल से निकल गया और नैरो नोजल जो क्या करेगी नोजल अब बारीक होती है बहुत ये इनको अगर ज्यादा बड़ा खुला रास्ता होगा तो जहां एक धार सी बन के निकलेगी ना लेकिन बारीक नोजल क्या करेगी तो बारीक बारीक दाने बनाएगी बारीक बारीक दाने जब इस हाँ में फैलेंगे तो इससे हम कहेंगे कि इस नोजल ने ब्रेक कर दिया किसको? उस लिक्विड को या उस सॉलिड को या उस मटेरियल को जो हमें चाहिए था उसको टेनी ड्रॉपलेट्स छोटे बरीक बरीक छोटे बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स बना दिए छोटे छोटे कतरे बना दिए और वही बाहर आएंगे वही हमें चाहिए थे यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई है अगर यहां तक समझ आ गई है तो फिर होपफुली ये आपका टॉपिक ख़त्म भी हो गया और आप अंडरस्टैंड भी कर गए कॉन्सेप्ट भी क्लियर जस्ट आप एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा इन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उस वक्त तक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़